हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. माई सेल्फ रेनू धामा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वागपत वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट, जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है, उसकी रिवीजन स्टेशन पर आ गए हैं. रिवीजन करेंगे ये, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से सुनिए, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, समझना है सारा, और उसके आप बाद आप अपनी कॉपी में खुद करेंगे सारी एक्सरसाइज बिना देखे हुए. तब आपका इसका मतलब आपको सारे सब क्वेश्चन फिर आप अपने मैच कर लेंगे. अगर आपको समझ में आ गए इसका मतलब आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ चुकी है, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा आपका. ठीक है, पहले आपको सिर्फ वॉच आउट करना है, नोट नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ देखना है, और उसके बाद जब आपका कंप्लीट रिवीजन आपका समझ में आ जाएगा तब आप अपनी बैठ कर बुक में से यही एक्सरसाइज अपने आप खुद सॉल्व करेंगे फेयर कॉपी में. ओके, नाउ स्टार्ट योर वर्क. योर फर्स्ट क्वेश्चन, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर द फ्रैक्शन. इसमें आपको ये इनके बीच में ये सिंबल फिल करने हैं कि इनके अंदर कौन सा सिंबल आएगा. अब इसमें आपको कंपेयर करना है, इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, विच न्यूमरेटर इज लार्जर, दैट वन इज द लार्जर फ्रैक्शन. अब इसमें आप देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा, ये कौन सा, 5, इधर 3, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8, तो ऐसे आपका ये सिंबल लगेगा. अंडरस्टैंड हियर, बोथ आर इक्वल, डिनोमिनेटर आर इक्वल, न्यूमरेटर आर इक्वल, तो ये कौन सा कैसा सिंबल लगेगा, इक्वल का. ठीक है, हियर, अब यहाँ पर देखिए, हियर आर अनलाइव फ्रैक्शंस. अब आप इनको लाइव बना सकते हैं, या तो आप इसको 3 से ये कट सकता है, बोथ आर डिविजिबल बाय, देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 9 एंड 15, 9 और 15 के बीच में आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 3. 9 और 15 दोनों 3 से कट हो सकते हैं, तो आप इसको काट सकते हैं, 3 जा 9, 5 जा 15, इस तरीके से बन सकता है. अदरवाइज अगर आप काटना ना चाहें तो इसमें दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना जाएगा, इधर 9 और इधर 15. अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 या 9 और 5 या 15. इट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है कि आपको मैं इक्वल का सिंबल लाऊंगी. क्यों? क्योंकि दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें आप जो है इससे मल्टीप्लाई करके आया, या तो इसको 3 से कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या इनमें दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 5 का 15 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 3 से नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो आपका ये भी 9/15, दिस वन इज 9/15, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये इसके क्या है, इक्वल है. ठीक है, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समझ में आया क्यों. ठीक है, नाउ 9/13 एंड 11/13, बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, एंड हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दिस वन 11/13 इज ग्रेटर देन 9/13. सिंपल है, ये आपको अब कर चुके हैं, सब समझ में आएंगे. अगर डिनोमिनेटर सेम है, इज लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम मीन्स लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में जिस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो अब इन दोनों में क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, 12, 12 11 से बड़ा है, सो 12/25 इज ग्रेटर देन 11/25. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 30, बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, दीज आर लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें न्यूमरेटर कितना है, 34, एंड हियर न्यूमरेटर इज 56, तो आपका कौन सा बड़ा होगा, 56 बड़ा होगा किससे, 56/21 इज ग्रेटर देन 34/21. नाउ अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इवेल्युएट करना है, ये आपको सॉल्व करने हैं. लाइक फ्रैक्शन का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था मैंने आपको, इफ यू ऐड ए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक और फ्रैक्शन का आपको चाहे आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, आपको क्या करना होगा, दोनों को, हाँ तो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से आपको अगर लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर सेम होंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपको करना है, एडिशन करना है तो आप ऐड कीजिए न्यूमरेटर को, सब्ट्रैक्शन करना है तो न्यूमरेटर को बड़े न्यूमरेटर में से छोटा न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कीजिए, और आंसर के नीचे क्या लगा देंगे, आपका सेम जो डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लगाएंगे. सेम यहाँ पर आपको देखो लाइक फ्रैक्शन के ये ऐड है और ये लाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं, तो एडिशन में क्या करेंगे आप, फर्स्ट वो था डिनोमिनेटर आर सेम तो लाइक फ्रैक्शन है, तो आप 5 और 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, एडिशन है तो 5 और 2 कितना हो गया आपका 7,
और नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर कितना है आपका 11, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर भी ऐसे ही कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो नीचे हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 7 और 3 10 और ये हो गया अपॉन 19। सिर्फ ये लाइक फ्रैक्शंस में ही पॉसिबल है, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तब आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एलसीएम और आपको एलसीएम लेने के बाद फिर तब करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम लाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन करेंगे ऊपर, 5 और 2 कितना हो गया 7 और अपॉन में भी 7 7 अपॉन 7 और ये 1 भी हो सकता है, आप इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जो है कॉमन डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखा जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस पर, और न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 5 किया कितना बचा आपका 3 3 अपॉन 9। ऐसे सेम यहाँ सेम लाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, 9 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 और डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर इज 13। क्या अब आप यहाँ देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है, पहले ऐड करेंगे 5 और 3 कितना डिनोमिनेटर सेम है सबके, दीज आर लाइक फ्रैक्शन और इसमें एक ही उसमें आपके ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों है, तो आपको सेम इसी वे से आपको इसको सॉल्व करना है, 5 और 3 ऐड कीजिए कितना हो गया 8 और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा आपका 7 और सेम 7 और नीचे आपका कॉमन डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका 14। आई होप यू अंडरस्टैंड, फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एड 5 प्लस 3 8, 8 में से 1 सेपरेट किया 7 और नाउ यू राइट हियर कॉमन डिनोमिनेटर विच इज 14, तो 7 अपॉन 14 और इसको भी आप काट सकते हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, हियर इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 एंड 14 इज 1, ओ सॉरी 7, तो 7 और 14 को दोनों को 7 से काटा, आंसर इज 1/2, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। नाउ कंप्लीट दिस, ठीक है, अब आप एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर मैं आपके इसके थर्ड और फोर्थ करा, नोट नहीं करना है। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, टिक राइट द लाइक फ्रैक्शंस, अब आपको इसमें लाइक फ्रैक्शंस पर टिक लगाना है, राइट का निशान लगाना है, जो फ्रैक्शन लाइक है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, द फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो वे लाइक फ्रैक्शन होंगे और वहां पर आपको टिक लगाना है, अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम नहीं है देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। देयर आर टू फ्रैक्शन गिवन है सब में, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर चेक करना है अगर सेम है, यहाँ पर दोनों में 3 3 है सो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन है, तो आप इसको क्या लगाएंगे, टिक का सिंबल ऐसे राइट लगाएंगे, यार डिनोमिनेटर सिर्फ आपको डिनोमिनेटर चेक करना है लाइक फ्रैक्शन के लिए और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए, ओनली यू विल चेक द डिनोमिनेटर, इफ दे आर सेम दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, इफ दे आर नॉट सेम दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, दीज आर 11 एंड 13 नॉट सेम तो क्या हुआ, ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ, हम क्रॉस लगा सकते हैं, इसमें तो खाली टिक लगाने को आया सिर्फ, पर आप इसको क्रॉस कर दीजिए जो सेम नहीं है, ये दीज आर ऑल्सो अनलाइक फ्रैक्शन तो क्रॉस कर दिया हमने, ये 12 12 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन राइट लगाया, 19 19 डिनोमिनेटर सेम है सो ये भी आपके क्या हुए लाइक फ्रैक्शन, टिक लगाया आपने, 8 और 9 अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों सेम नहीं है तो ये आपका क्रॉस हुआ। यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अभी तक आपने यही बातें सीखी हैं जो आपको सिर्फ इस सारी रिवीजन स्टेशन में आप क्लियर होती जा रही है आपको दोबारा। अब आप सॉल्यूशन देखिए सेकंड फोर्थ क्वेश्चन का, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर सबका मतलब एक ही होता है, बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर को अगर मैं पिक्चर के थ्रू दिखाऊं तो पहले ये, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर इससे लंबी, फिर इससे भी लंबी, ये कहलाता है आपका इस तरीके से, देखो बढ़ता हुआ क्रम है ना ये जा रहा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर आपका लाइक फ्रैक्शन है, these all are like fractions, ये देखिए सब में denominator 9 है, यहाँ 9 13 है, here is 15, सब all are like fraction, like fraction को तो compare करना बहुत easy है, जिसमें denominator सब numerator जो है in which numerator is smaller, this one is the smallest one, तो इसमें सबसे छोटा numerator कौन सा है आपका, यहाँ पर देखिए 7 1 5 2, अब इन्हीं number को आप अगर increasing order में बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, गिनती सबको आती है, तो 1 5 2 1 7 1 5 2, इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 1, तो आप वहाँ 1 लिखिए, फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है आपका 2 2 लिखा, थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका 5 5 लिखा आपने, फिर क्या आता है आपका 7, अब सब में डिनोमिनेटर कितना आपका 9, सब में डिनोमिनेटर 9 लगा दीजिए, हो गया, ये हो गया आपका
फर्स्ट क्वेश्चन का ए का सॉल्यूशन। अब ये कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर, दिस वन इज स्मॉलर और ये बड़ा है, तो आप सिंबल कैसे लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये छोटा नंबर और ये बड़ा, आपको पहले भी बताया था अगर आप भूल जाते हैं सिंबल को याद करने का सबसे आसान तरीका इस तरीके से देखिए, जिधर ये आपकी ये फिंगर खुली हुई आती है, मुंह खुला हुआ ऐसे, तो ये क्या हुआ आपका लार्जर और दिस राइट स्मॉलर। और अगर इस तरीके से है तो आप इधर देखिए, यूं करिए, इधर स्मॉलर नंबर होगा इधर छोटा, और दोनों इक्वल है तो आपका ये इक्वल का सिंबल, ठीक है, लाइक दिस, ये इक्वल हो गया, और ये इधर खुला हुआ तो इधर बड़ा नंबर, और ऐसे कर दिया तो इधर बड़ा नंबर, ठीक है। अब आपका ये छोटा है तो इधर मुंह खुला हुआ, इस तरीके से आपने सारे सिंबल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। सेम भी अब आप यहाँ पर देखिए, दीज आर लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है, अब आपको न्यूमिनेटर के काउंटिंग्स के हिसाब से आपको नंबर लाइन पर सबको रिप्रेजेंटेशन करना आता है। 3, 9, 11, 2 स्मॉलर, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 2, देन 3, देन 9, देन 11, तो राइट हियर सेम सीरीज में लिखिए 2, 3 फिर 9, फिर 11 एंड अपॉन में क्या आएगा सबके 13, 13, 13 या 2 upon 13, दिस वन इज 3 upon 13, दिस वन इज 9 upon 13 एंड लास्ट वन इज 11 upon 13। अब सिंबल कौन सा लगाना है, दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज ग्रेटर, तो कैसे, ऐसे। अब इनमें दोनों में कौन सा कंपेयर करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, इस तरीके से आपका सिंबल लग गया। दिस इज बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। अब सी पार्ट देखिए, सेम है, यहाँ पर भी क्या है आपके देखिए लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में फिर अभी आपको बताया था फर्स्ट 8, 9, 2, 1, तो सबसे छोटा क्या होगा आपका नंबर 1, देन 2, देन 8, देन 9। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर 1, 2, 8 और 9। अब डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो सबके नीचे लगा दीजिए, यहाँ 15, हेयर ऑल्सो 15, हेयर यू राइट अगेन 15, हेयर यू राइट 15। अब इसमें आप कंपेयर करेंगे तो ये कौन सा हुआ स्मॉलर, ये ग्रेटर, ये स्मॉलर ये लार्जर, ये स्मॉलर ये लार्जर, ठीक है। अब इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मेरी इसमें से देख कर नहीं करना है, आज आपको मैंने सारा कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, या तो आप पहले सॉल्व करके फिर इस वीडियो को देख लेते, कोई बात नहीं, अब आपने वीडियो देख लिया समझ लिया, अब आप बिना देखे अपने आप सारा कॉपी में करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझाती हूँ फटाफट, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट नहीं करना है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 32/7, 31/5 एंड 22/7 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में करने है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताया था कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 32/7 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 7 से 32 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। 7 इज योर, दिस वन इज योर डिवाइजर और दिस वन इज डिवाइडेड, 7 का टेबल 32 में पड़ी है, 7 × 1 = 7 कितनी टाइम्स जाता है, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35 ज्यादा जाएगा कितने जाएगा 4 जा, 7 × 4 = 28 कितना माइनस कीजिए 12 में से 8 गया कितना बचता है 4, यहाँ कैरी ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा आपका, ये हो गया 4, ठीक है। अब आपको पता है कि ये होल कितना कहाँ जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है, और रिमाइंडर कहाँ आएगा आपको यहाँ, और डिनोमिनेटर सेम अपनी प्लेस पर रहेगा यहीं पर ही, तो ये हो गया 4 होल 4/7। इस तरीके से भी कर सकते हैं डिवाइड करके भी, और अदरवाइज 7 का टेबल 34 में पड़ी है, 7 × 4 = 28, 28 से आगे आप 32 तक काउंट कीजिए नंबर, जैसे आप उंगलियों पर फिंगर पर कैसे भी काउंट कर सकते हैं, 29, 30, 31, 32 हो गया आपका, कितने हो गए 4, 1, 2, 3, 4 याद लिख गया, इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वे अब आपका 31/5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको क्लियर हो गया, 31/5 इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का टेबल 31 में 5 6 = 30 तो 6 30 से आगे 31 तक काउंट करेंगे कितना बनता है 1 और यहां पर आ गया 5, और अदरवाइज आपको समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको, ये आपका आंसर हो गया 31 यहां आएगा, आप एज ए डिवाइडेंड 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 = 30 और बचा कितना आपका 1, रिमाइंडर कहाँ आ गया आपका एज ए न्यूमरेटर, और होल पार्ट आपका क्वेश्चन जो है होल पार्ट में बन गया, डिनोमिनेटर अपनी जगह जैसे डिवाइजर था वो एज इट इज रहा, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है।
आप इसका 22/7 सेम 22/7 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 जाता है, 3 जा गया तो 3 होल पार्ट हो गया आपका, और 21 को 22 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना है 1 यहाँ आ गया आपका एज ए रिमाइंडर, और 7 मुझे ठीक है अब समझ में आ गया। डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है पर फिर भी आपको दिखा देती हूँ अगर आप कंफ्यूजन में रहो कहीं, 7 3 जा 21 बचा आपका 1 ठीक है, ये 1 ऊपर आ गया। इस तरीके से आपने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, क्लियर हो गया सबको। ये आपका ये इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सेकंड का और ये थर्ड का, सेम आपका थर्ड ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3 होल 2/5 एंड 7 होल 1/4 इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन। इनको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में ये वाला क्वेश्चन को इस तरीके से और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब इंप्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है 3 होल 2/5, क्या लिखोगे, 5 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे 3 में, और ऐड कितना कर दोगे इसमें 2 अपॉन में, डिनोमिनेटर सेम रहता है ठीक है। दोबारा देख लीजिए, दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर देन ऐड द न्यूमरेटर, और आपका ये बन जाएगा इसमें 5 3 जा कितना हुआ आपका 15, और 15 में कितना ऐड करना है आपको 2 और अपॉन में 5 रहेगा। अब आपको फिर इसे खोल दीजिए, 15 और 2 कितना हो गया आपका 17/5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे अगर आपको समझ में आता है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5 3 जा 15 और 15 में आपको 2 ऐड करना है 17/5। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर हो गया, एंड सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया आपका कितना है, ये सॉल्यूशन है आपके ठीक है, और ये भी आपके सॉल्यूशन है ठीक है। अब सेकेंड पार्ट का आंसर 7 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पहले 7 में फिर ऐड करेंगे इसमें 1 अपॉन में आ जाएगा आपका सेम डिनोमिनेटर 4 4 7 जा 28 में प्लस करेंगे 1 अपॉन 4 एज इट इज। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, 28 और 1 कितना आ गया 29/4। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया ठीक है। आपको समझ में आया 6 क्वेश्चन। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, ये लैंग्वेज समझना है। राजू यूज 1/8 केजी किलोग्राम, केजी मींस किलोग्राम, अब जो भी वेट खरीद के लाते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मास वजन वेट, उसके लिए ग्राम यूज करते हैं, एंड किलोग्राम इज द लार्जेस्ट यूनिट, इसकी बड़ी यूनिट है। तो राजू यूज 1/8 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 3/8 केजी ऑफ ग्रेप्स एंड 1/8 केजी ऑफ मैंगोज टू मेक फ्रूट सैलेड। राजू जो है फ्रूट सैलेड बनाने के लिए इतना एप्पल खरीद के लाया, इतना ग्रेप्स और इतना क्या खरीद के लाया, मैंगो। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट सैलेड, टोटल वेट फ्रूट सैलेड का कितना खरीदा। अब आप क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, अब मैं आपको बिना लैंग्वेज के बिना उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन बताती हूँ ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिख के करेंगे तो अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, राजू यूज्ड ठीक है कितना, एप्पल्स इक्वल 1/8 केजी, ग्रेप्स इक्वल 3/8 केजी और मैंगोज इक्वल 1/8 केजी, फिर है टोटल वेट ऑफ फ्रूट सैलेड इक्वल क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम 1/8 प्लस 3/8 प्लस अगेन 1/8। अब इनको आप सम कर देंगे, अभी बताया था आपको इसे शुरुआत में मैंने बताया था, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो अब आप ऐड किस किस को करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 1 और अपॉन में कितना आएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 अपॉन 8, क्या है ये केजी, ये क्या है टोटल वेट, दिस इज आंसर टोटल वेट ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से आपके इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, वो और बताती हूँ फटाफट, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तब कर दूं मैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 8 देखिए इसका रिवीजन एक्सरसाइज का। मिक्की एंड रिकी अर्न द सेम सैलरी, मिक्की और रिकी जो है दोनों को सेम सैलरी अर्न मींस कमाते हैं, सेम तनख्वाह जो है वो कमाते हैं। मिक्की स्पेंड 9/17 ऑफ हिज सैलरी इन ए मंथ, मिक्की अपनी सैलरी का 9/17 यानी कि 17 टोटल पार्ट्स अगर सैलरी की किए जाए तो उसमें से 9 पार्ट्स वो है
क्या कर देता है, स्पेंड मीन्स खर्च कर देता है. एंड रिकी स्पेंड्स 11/17 टू हिज ऑफ हिज सैलरी इन ए मंथ. और रिकी जो है वो अपनी सैलरी का 17/11/17 यानी कि 17 में से 11 पार्ट जो है वो स्पेंड कर देता है. हु सेव मोर इन वन मंथ, तो महीने में कौन ज्यादा जो है वो सेव करता है, बचाता है. अब यहाँ पर देखिए, दो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिकी स्पेंड कितना करता है, मिकी स्पेंड्स 9/17 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है. जब इसने 9/17 हिस्सा खर्च कर दिया तो इसका कितना बचा. अगर मैं आपको इसको पिक्चर के थ्रू दिखाऊं तो अब ये मान लो इसकी टोटल सैलरी है, सपोज करो किसकी, मिक्की की. और इसके कितने हिस्से करने हैं, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17. सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मुझे, ठीक है. ये सपोज करो टोटल सैलरी को शो करता है और इसके 17 पार्ट कर दिए टोटल सैलरी के, और टोटल सैलरी में से इसने कितना खर्च कर लिया, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना पार्ट इसने क्या कर लिया, स्पेंड कर लिया, ठीक है. अब टोटल कितने थे, 17, 9 ये हो गए, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. अब ये बचे हुए कितने हैं, तो ये तो जो हिस्सा है दिस वन इज कॉल्ड स्पेंड, कितना कहलाएगा इसका, 9/17 ये इसने खर्च कर दिया. अब इसका बचा हुआ हिस्सा कितना है, ये कितना हिस्सा है जो इसका बच रहा है, ये क्या है इसकी, सेविंग. दिस शोज इज सेविंग. और सेविंग कितनी है, अब आप इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितनी है, ये यहां से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/17 ये क्या हो जाएगी इसकी, सेविंग. सेव्स इतना वो बचाता है, इतना उसने बचा लिया, ठीक है. टोटल सैलरी 17 में से 9 पार्ट उसने खर्च कर लिया, इट मींस 8 जो है उसका सेविंग हो गई. अब आपका ये सेविंग समझ में आ गई, इसकी सेविंग कितनी हुई. अब इसमें ये बताना है, इसी तरीके से आप इसकी सेविंग निकाल दिया आपने, अब इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन में, मिक्की स्पेंड इतना एंड सेव्स बचाता कितना है, 1 - 9/17 पूरी सैलरी को आपने एक हिस्से में माना और एक को आप क्या माना आपने, 17/17 और 1 भी मान सकते हैं, अदरवाइज यू विल राइट दिस 17/17 इसको 17/17 यानी कि 17 में से 17 हिस्सा सैलरी का हो गया और उसमें से 9/17 उसने क्या करा, स्पेंड कर दिया. अब बचा कितना उसका, माइनस करना सबको आता है, दिस वन इज 17 - 9 कितना बचा उसके पास, दिस वन इज 8/17 ये हो गई इसकी सेविंग, किसकी, रिमिकी की. सेम वे आप किसकी निकालोगे, उसके दूसरे फ्रेंड की, रिकी की, ठीक है. अब आप देखिए यहां पर सेम इसी तरीके से हमने ये पिक्चर बनाई नहीं है, अब किसके लिए करना है, रिकी के लिए. रिकी कितना स्पेंड कर रहा है, ये कर रहा है 11/17 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है. अब ये कितना बचाता है, He saves, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 1 - 11/17 पिक्चर के थ्रू तो आपको समझ में आ गया. अब इसकी पिक्चर नहीं बना रही, आप डायरेक्ट समझिए, 1 को आप क्या कितना लिख सकते हो, 17/17 11/17 ये 17/17 क्यों किया,
कि हम इसको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। तो वन के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या मान लेते हैं, वन। अब लाइक फ्रैक्शन करने के लिए दोनों में सेम डिनोमिनेटर करेंगे तो 17 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में तो 17 से डिनोमिनेटर में, इस वजह से ये 17/17 रखा। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, सिंपल 17-11 कितना आ जाएगा आपका, ये दिस वन इज 6/17। अब आ गया समझ में। अब इसमें से आपको ये बताइए, ये सेविंग किसकी है, मिक्की की, और ये सेविंग किसकी है, रिकी की। क्वेश्चन में पूछा हु सेव्स मोर इन वन मंथ, एक महीने में कौन ज्यादा बचाता है, सेव्स मींस बचाना। तो अब इसमें से किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, नाउ कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर द फ्रैक्शंस, किस किस को कंपेयर करना है, 8/17 और 6/17, कौन सा बड़ा है इसमें, न्यूमरेटर लाइक फ्रैक्शंस है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा है तो इसमें इसका मतलब कौन ज्यादा बचा रहा है, ये हु इज दिस मिक्की, MICKY, मिक्की सेव्स मोर। बस यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में, आ गया समझ में आपको। सो मिक्की सेव्स मोर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ सबको, अच्छे से समझ में आया, सेम है। अब अच्छे से देख लीजिए इसको, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। What is question number 9? Ashu, Asha, Usha, Nisha drank 1/5, 1/5, and 2/5 fractions of juice respectively from a large juice pack. How much juice did they drink altogether? Asha ने कितना जूस पिया? इसमें बताया आशा, उषा और निशा तीनों ने मिलकर जूस पिया। आशा ने पिया 1/5, उषा ने पिया 1/5 और निशा ने पिया 2/5। एक जूस के पैक में से इतना इतना जूस तीनों ने पी लिया। हाउ मच जूस ड्रिंक दे ड्रैंक टुगेदर, तीनों ने कुल कितना जूस पिया। अब इसमें आप इसको स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं, चाहे तो आशा ड्रैंक 1/5 पार्ट ऑफ जूस पैक, ठीक है, ऑफ जूस पैक, और उषा ने कितना पिया 1/5, इसने भी 1/5 पिया, और तीसरा है निशा, निशा ने कितना पिया है 2/5, फिर दे ड्रैंक ऑल टुगेदर, उन्होंने सबने मिलकर कितना पिया 1/5 + 1/5 + 2/5 पार्ट ऑफ जूस पैक, और ये भी पार्ट ऑफ जूस पैक आएगा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, सिंपल है, ऐड करना लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस को तो ऐड करना अब आपका क्या ना चुटकियों का काम हो गया है, आराम से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करना है और राइट द सेम डिनोमिनेटर, कितना हो गया 1 + 1 + 2 अपॉन में सेम डिनोमिनेटर 1, 1, 2 और 2, 4, 4/5 पार्ट ऑफ जूस पैक। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, अच्छे से समझ में आई सबको, अब बिना देखे आपको सॉल्व करनी है, ओके, ठीक है, गुड, स्टार्ट योर वर्क, थैंक यू।